नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं व्रत की स्पेशल थाली। बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल गेहूं की जैसी रोटी है। आप इसे पराठों के तौर पे भी खा सकते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले 4 आलू बॉईल करके रख लिए हैं और हम बनाने वाले हैं कुट्टू के आटे से। आप चाहें तो राजगिरी के आटे से भी रोटी या पराठे बना सकते हैं। इसके लिए हमने कुट्टू के आटे को पहले छान लिया है। कुट्टू का आटा को जब भी कोई चीज़ में यूज़ करें तो आप उसे ज़रूर छानें। इसके बाद हमने इसमें डाल दिया है हरी मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, नमक, सेंधा नमक जिसे हम व्रत में खाते हैं, और मैश करे हुए आलू। इन सभी को अच्छे से मिक्स करके हमें आटा लगाना है। आटा थोड़ा टाइट लगाना है क्योंकि जब हम इस आटे को रेस्ट पर रखेंगे तो ये धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगेगा, जिससे रोटी सही से नहीं बन पाएगी। आटा लगाते समय पहले हम आलू को अच्छे से आटे में मिक्स कर देंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के अच्छी तरीके से आटे लगा लेंगे। आटा थोड़ा टाइट ही लगाना है। आटा हमने लगा लिया है, अब हम इसे ढक देते हैं। बाद में अगर ज़रूरत होगी तो थोड़ा पानी डालकर हम इसे दोबारा सॉफ्ट कर लेंगे। अब एक कुकर में मैंने थोड़ा सा घी डाला है। अगर आप व्रत में ऑयल यूज़ करते हैं तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ डाल दिया है थोड़ा सा जीरा। व्रत में कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं, इस चीज़ के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगी। तो उसके लिए आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप नेक्स्ट आने वाली वीडियो मेरी देख सकें। इसके बाद हमने इसमें डाल दिया है कुटी हुई हरी मिर्च और इसे एक बार चला लेंगे ताकि अच्छे से पक जाए और इसका कच्चापन हट जाए। इसके बाद हमने इसमें डाल दिया है मैश करे हुए आलू। आलू को भी एक बार हम चला लेंगे और इसके बाद हम डाल देंगे करीब 2 ग्लास पानी। नॉर्मल पानी यूज़ कर सकते हैं और गैस को फुल करके बॉयल होने तक हम इसे पका। इसमें अब हम डाल देंगे कुटी हुई काली मिर्च पाउडर और सेंधा नमक। बस सब्ज़ी हमारी तैयार है। जितना पानी चाहे आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जितने मेंबर्स के लिए बनाना चाहे। वैसे ये 2 मेंबर्स के लिए एनफ है। जब सब्ज़ी बॉईल हो जाए तो उसमें हम लास्ट में डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया से सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो हमारी सब्ज़ी बॉईल हो चुकी है और अब हम स्टार्ट करते हैं रोटी या पराठा बनाना। तो आटे को हम पहले चेक कर लेंगे और सबसे पहले इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया और इसे दोबारा नीट कर लेंगे। राजगिरी के आटे से रोटी थोड़ी अच्छी और सुंदर दिखती है, लेकिन कुट्टू का आटा भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी भी रोटी बहुत ही टेस्टी बनती है और ये इसकी कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल अच्छी है। ना ही तो ज़्यादा टाइट है और ना ही ज़्यादा लूज़ है। बिल्कुल जो हम गेहूं की रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही आटे की इसकी कंसिस्टेंसी है। रोटी बनाने के लिए आटे की हम थोड़े से बॉल ले लेंगे और उसे राउंड बनाकर सूखा आटा लपेट कर उसे बेल लेंगे। नॉर्मल जो गेहूं की रोटी होती है बस उससे थोड़ा सा मोटा बेलना है, क्योंकि कुट्टू का आटा हो या राजगिरी का आटा हो उसमें बाइंडिंग उतना अच्छा नहीं होता जितना कि रोटी बेलने के बाद हम नॉर्मल जिस गेहूँ की रोटी सेकते हैं बस उसी तरीके से हमें इसे सेक लेना है। तवे पे हमने इसे डाल दिया है और इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। चाहे तो आप कपड़े का यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको इसे पराठा बनाना हो तो इसके ऊपर घी लगा लीजिए। तो ये आलू की बहुत ही टेस्टी सी रोटी आपकी तैयार हो जाती है। सब्जी पहले ही रेडी हो चुकी है और लीजिए फूली फूली सी रोटी भी हमारी रेडी है। दूसरी रोटी हमने पराठे की जैसे बना ली है। इसे आप मीठे दही के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। चलिए, थाली में रोटी हो गई, पराठा हो गया, दही हो गया और हो गई सब्ज़ी। अब मीठे में क्या, तो मीठे के लिए मैंने बहुत सी रेसिपीज़ जो व्रत में खाई जाने वाली है अपलोड की हुई है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल। मेरी रेसिपीज़ आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएँ कि रेसिपीज़ आपको कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू।